करने वाले हैं अपने पास किसको, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। सर टिम्बर वाले पार्ट में कितने पेज लगेंगे? एक पेज लगेगा, एक पेज और बच रहा है उसमें, एक पेज और बच रहा है भाई, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पास कॉन्क्रीट की, किसकी बात करेंगे अपने पास, कॉन्क्रीट की, कॉन्क्रीट के इंट्रोडक्शन से, कॉन्क्रीट के इंट्रोडक्शन से। तो आपको अगर याद होगा तो हमने एक चीज बताया था कि ये मिक्सअप होता है, जब हमने कॉन्क्रीट के बारे में बात कर रहे थे, जब हमने एग्रीगेट में बात किया था, तो हमने कहा था कि ये मिक्सिंग होता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का, जैसे कि अपने पास सीमेंट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया, वाटर हो गया और एडमिक्सर हो गया। जब इन्हीं पांचों मटेरियल को आप एक डेफिनेट प्रपोर्शन में मिलाते हैं तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम कॉन्क्रीट कहते हैं। क्लियर है बेटा, बताइए क्लियर है आप लोगों को कि कॉन्क्रीट को लेकर क्या कहना चाहिए, जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को क्लियर है? माइक ऊपर कर, माइक ऊपर कर, कितना ऊपर करें, ज्यादा ऊपर हो जाएगा, इस ऊपर तो मेरा फेस ही आ जाता है। अभी वॉइस आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब आप बताइए आप लोग, मन की वॉइस आ रहा है या नहीं आ पा रहा, आप लोग अच्छे से जल्दी से बताइए कि आप लोगों तक वॉइस आ पा रहा है, स्लो है, सभी को कम आ रहा है क्या? स्लो है क्या? अब ठीक है, ऐसे बोले तो ठीक लगेगा, जल्दी बताइए ऐसे में वॉइस ठीक आ रहे हैं, ऐसे में ठीक है, चलो फिर ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, इट इज ए मिक्सचर, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे यूज क्या करते हैं अपने पास सीमेंट को, किसको यूज करते हैं अपने पास सीमेंट को, ओके। उसके बाद में इट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट कोमा, कोर्स एग्रीगेट कोमा, वाटर एंड एडमिक्सर, एंड एडमिक्सर, एंड एडमिक्सर इन प्रॉपर प्रपोर्शन, इन प्रॉपर प्रपोर्शन टू अचीव, इन प्रॉपर प्रपोर्शन टू अचीव, प्रॉपर प्रपोर्शन टू अचीव कॉन्क्रीट ऑफ, कॉन्क्रीट ऑफ डिजायर स्ट्रेंथ, कॉन्क्रीट ऑफ डिजायर स्ट्रेंथ इन, इन फ्रेश, इन फ्रेश एंड हार्ड स्टेट, फ्रेश इन हार्ड स्टेट, ओके। इन सभी मटेरियल्स को, जैसे कि बाइंडिंग मटेरियल, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, वाटर और एडमिक्सर को एक प्रॉपर, मतलब एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में डालना चाहिए, जिस कारण से डिजायर स्ट्रेंथ मिल सके फ्रेश और हार्ड स्टेट में। फ्रेश और हार्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि जब आप कंक्रीट को मिक्सिंग कर रहे हैं तो जो एक दो घंटे, एक घंटे का जो डिफरेंस रहता है ना टाइमिंग, जब हम मिक्सिंग करते हैं मटेरियल को, उसे कहते हैं फ्रेश स्टेट। और हार्ड स्टेट का मतलब आप समझ ही गए कि जब वो सेटिंग हो जाती है, कंप्लीटली सेट हो जाता है, तो वह उसके बाद भी स्ट्रेंथ अचीव करता रहता है। तो ड्यूरिंग दी फ्रेश, ड्यूरिंग दी फ्रेश और जब आफ्टर दी हार्डनिंग, इन दोनों टाइम पर प्रॉपर स्ट्रेंथ अचीव कर सके, वही अपने पास क्या है, कॉन्क्रीट। और डिपेंड किस पे करेगा, अपने पास प्रॉपर प्रपोर्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है।
क्लियर है आपको कि कंक्रीट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जल्दी से बताइए, क्लियर है आप सभी को कि आपको कंक्रीट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है तो आप क्या बोलना है, आप लोगों को क्या बोलना है, जल्दी से बताइए। चले अब आगे चले, सो तो नहीं गए तुम सभी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सो गए। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास टॉपिक, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट की बात करें तो डिपेंड करता है कि आप क्लासिफाई कैसे कैसे करना चाहते हैं। एफ ए क्या है? एफ ए का मतलब होता है फाइन एग्रीगेट, सी ए का मतलब होता है कोर्स एग्रीगेट। ठीक है मुशरफ, क्लियर है? सी ए का मतलब क्या है यहाँ पर? कोर्स एग्रीगेट, और एफ ए का मतलब क्या है यहाँ पर? फाइन एग्रीगेट। ओके चलिए फिर बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्क्रीट के अंदर। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू मिक्स, अकॉर्डिंग टू मिक्स, तो पहला जो हम क्लासिफिकेशन जो उसके क्लासिफाइड कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मिक्स के अकॉर्डिंग, कि आप कंक्रीट को मिक्स कैसे करते हैं। तो कंक्रीट को मिक्स करने के दो तरीके से है। डिजायर मतलब क्या होता है? डिजायर का, अरे डिजायर नहीं लिखा मैंने, ढंग से देखो, मैंने डिजायर एस है, वो आर है आर। डिजायर मतलब जैसा तुम चाहते हो, जैसे कि मैं चाहता हूं कि M30 का कंक्रीट बने तो मैं प्रोपोर्शन M30 के अकॉर्डिंग लूंगा कि 28 दिन के बाद में स्ट्रेंथ इसमें कितना डेवलप हो, अपना 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो। अगर मुझे 15-28 दिन के बाद में M15 का ग्रेड बना रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि 28 दिन के बाद में 15 न्यूटन पर एमएम का स्ट्रेंथ डेवलप हो। तो ये है जो डिजायर स्ट्रेंथ है जो मैं चाहता हूं, वो कितने दिन पर डिपेंड करेगा? 28 दिन पर। बट जो प्रोपोर्शन है वो उस ग्रेड के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा आपको। ओके ठीक है भाई संतोष, चलिए फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मिक्स। तो अकॉर्डिंग टू मिक्स ये अपने पास दो टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पहले तुम्हें बताऊं तो पहले एक अपने पास होता है नॉमिनल मिक्स, क्या होता है? नॉमिनल मिक्स, और एक अपने पास होता है अकॉर्डिंग टू डिजाइन मिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिजाइन मिक्स, तो दो तरीके से मिक्सिंग कर सकते हैं, एज पर नॉमिनल और एज पर डिजाइन मिक्स। अगर नॉमिनल मिक्स की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टर लोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, जैसे आपने देखा होगा आप अपना घर बना रहे हैं तो जो वहां पे ठेकेदार होता है ना, तो जो ठेकेदार की मिक्सिंग होती है उसे नॉमिनल मिक्स कहते हैं। और एक हमारे पास जो कोड होता है डिजाइन मिक्स का, हमारे पास जो कोड होता है क्या नाम है उसका? उसका नाम है अपने पास IS 10262। अगर आप इस कोड के अकॉर्डिंग मिक्स करते हैं ना तो उसे कहते हैं डिजाइन मिक्स। क्या कहते हैं? डिजाइन मिक्स। ओके, अब मैं इनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं इन दोनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कब हम किस चीज को, कब हम इस चीज को नॉमिनल कहेंगे और कब हम किसी कॉन्क्रीट मिक्स को डिजाइन मिक्स कहेंगे। यहां तक एक बार नोट करिए, फिर दोनों को एक्सप्लेन करता हूं कि नॉमिनल मिक्स कैसे बनाया जाता है और डिजाइन मिक्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है भाई, कर लिए क्या?